हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंबी वासुदेव। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता दिवस पर निबंध हिंदी में। इसके संकेत बिंदु हैं भूमिका, मनाने का कारण, मनाने का ढंग और संदेश। इन सब टॉपिक पे हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट स्वतंत्रता दिवस। इसकी भूमिका है, व्यक्ति के जीवन में पर्वों का विशेष महत्व है। पर्व कई प्रकार के होते हैं, धार्मिक, सामाजिक, स्थानीय, राष्ट्रीय आदि। जो पर्व पूरा राष्ट्र मनाता है उसे राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि प्रमुख राष्ट्रीय पर्व हैं। मनाने का कारण, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए भारतवासियों ने कड़ा संघर्ष किया। कई देशभक्तों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद करने के लिए भरसक प्रयत्न किया। अंत में अंग्रेजों की हिंसा गांधी जी की अहिंसा से हार गई और हमें स्वतंत्रता मिल गई। मनाने का ढंग, स्वतंत्रता दिवस पूरे भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। स्थान स्थान पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यों की राजधानियों में विशेष समारोह मनाए जाते हैं। दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराकर पूरे देश को संबोधित करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस दिन पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रहता है। संदेश, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने से हर भारतीय के मन में उत्साह की भावना का संचार होता है। इस दिन हर देशवासी को यह प्रण लेना चाहिए कि हमें देश की एकता व अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। आई होप आप सबको ये स्वतंत्रता दिवस पर निबंध अच्छा लगा हो, पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो लाइक ऐसे लेटर, निबंध, पत्र, पैराग्राफ, इस तरह की वीडियो आगे आपको और मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।